अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2015 में लेसन नंबर 6 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू इंसर्ट लाइन, आप लाइन कैसे इंसर्ट करते हो ऑटोकैड में, लाइन की कमांड क्या है, लाइन को स्ट्रेट कैसे करते हो, लाइन को मुख्तलिफ तरीकों से आप इंसर्ट कैसे करते हो, लाइन को क्लोज कैसे करोगे, अंडू लाइन का क्या फंक्शन है, इंसर्ट द लाइन एंगल, किसी भी एंगल में आप लाइन को कैसे इंसर्ट करते हैं, एंड हाउ टू ओपन न्यू एंड सेव द प्रोजेक्ट। आप ओपन कैसे करते हो प्रोजेक्ट को, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हो और सेव कैसे करते हो प्रोजेक्ट को। मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूंगा। तो जैसे कि मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, सबसे पहले आपने यूनिट सेट करनी होती है, यू एन एंटर। कोई भी काम करने से पहले अपने यूनिट्स को सेट करना है। इंजीनियरिंग यूनिट यूनिट में रखूंगा यहाँ पे, और 0 फुट 0 इंच करूंगा। ओके, डायमेंशन, जब आप डायमेंशन दो तो तब आप डायमेंशन देख लिख सक सेट कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं करना चाहते तो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो लाइन के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लाइन आप देखें, तो आप लाइन के लिए एल एंटर करें, लाइन कमांड एक्टिव हो जाएगी। एल एंटर करता हूँ, लाइन एंटर होगी, फर्स्ट पॉइंट पे दें और ये देखें, ये हमारे पास लाइन किसी न किसी एंगल में मूव हो रही है। देखें, ये देखें ज़रा, 36 एंगल में, ये एंगल में मूव हो रही है। आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेना चाह रहे हैं तो आप F8 प्रेस करें। F8 जो होता है, इससे ऑर्थोमोड ऑफ हो जाता है। मेन आपका यहाँ पे देखें, ये ऑर्थो है, इसको ऑफ है, मैं इसको F8 प्रेस करता हूँ, ये ऑन हो जाएगा। देखिएगा, ऑन हो गया, देख सकते हैं ये ऑर्थो मोड। इसको ऑफ करते हैं, ऑफ हो जाएगा, और जब इस पर क्लिक करें या F8 प्रेस करें तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन से क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इंसर्ट करेगा। फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद सेकंड पॉइंट पे क्लिक करें तो आपके पास लाइन इंसर्ट हो गया। अब देखिए लाइन, अब कमांड को छोड़ने के लिए, कमांड को ख़त्म करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से स्केप का बटन दबाएं। स्केप प्रेस करता हूँ मैं, तो देखें ये लाइन मेरे पास यहाँ पे इसने छोड़ दिया। एल एंटर करता हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और मैं यहाँ से इसको जोड़ना चाह रहा हूँ, क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे, तो देखिए नहीं जोड़ी क्योंकि ये ऊपर चली गई। स्पेस प्रेस करें या फिर स्केप प्रेस करें तो ये वापस लाइन क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा लाइन को मैं इस कॉर्नर पे अगर जोड़ना चाहें आप, तो उसका क्या तरीका कर रहे हैं वो देखें। एल एंटर करता हूँ मैं, अब मेरे पास यहाँ पे गलती से अगर लाइन लग गया, मैं चाहता हूँ ये वापस रिपीट हो जाए पीछे, तो आप यू प्रेस करें अंडू के लिए, यू एंटर करें और देखें क्लोज के लिए सी, तो अंडू के लिए मैं यू प्रेस करता हूँ, यू स्पेस प्रेस करता हूँ या फिर एंटर। स्पेस और एंटर दोनों जो होते हैं ये आपकी कमांड अप्लाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि स्केप जो होता है आपकी कमांड से आप बाहर निकलना चाहो तो आप स्केप का बटन प्रेस करते हो। क्लिक करता हूँ मैं, अब मैं सी प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट इस कॉर्नर में क्लोज हो जाएगा। सी फॉर क्लोज, सी प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पे साथ क्लोज हो गया। तो ये लाइन का तरीका है। इसी तरह आप लाइन जो है तो यहाँ पे ड्रॉ बार में देखें तो आपके पास लाइन यहाँ पे देखें, लाइन है, क्लिक करें इस पर और आप यहाँ से देखें लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। सी प्रेस करता हूँ, सी फॉर क्लोज, क्लोज हो जाएगी। तो कोई भी जब काम करें आप, तो आप नीचे अपनी कमांड जो एरिया आपका है उसको आप देखें, ये जो कमांड एरिया होता है, कमांड बार होती है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल से दिया जाता है आपको कि आप क्लोज करना चाहें तो उसके लिए कौन सी कमांड है, अगर ज्वाइन करना चाहें, अंडू करना चाहें उसके लिए कौन सी कमांड है। देखें आप यहाँ पे बता रहे हैं आपको अंडू, या फिर आप क्लिक भी करेंगे, देखें क्लिक करता हूँ पीछे चला गया, मैं दोबारा इस कॉर्नर पे पीछे जाना चाह रहा हूँ, अंडू पे क्लिक करूँगा पीछे चला गया। देखें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, लाइन देता हूँ और अब मैं इसको क्लोज करना चाह रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे सी एंटर करता हूँ, क्लोज हो गया देखें, या फिर आप क्लोज पे क्लिक करेंगे क्लोज हो जाएगा। ओके, तो लाइन के दो तरीके आपको पता चल गया कि ये दो लाइन यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं और एल एंटर करेंगे तब भी आप लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे जो आपके पास ये बार है, इस बार में आप अगर जाएं, यहाँ पे तुम्हारे पास होम प्रोजेक्ट है, अगर आप यहाँ पे, मैं मेन्यू बार ओपन करता हूँ, क्लिक करें यहाँ पे इस बटन पे और यहाँ से आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करें। मेन्यू बार में आप देखें फाइल है, एडिट, एंजेड है, फॉर्मेट टूल, ड्रॉ पे क्लिक करें तो ड्रॉ में सबसे पहले लाइन आ गई, आप देख सकते हैं। लाइन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से भी लाइन एंजेड कर सकते हैं। सी फॉर क्लोज,
नेक्स्ट है आपके पास लैन एनजेड, तो आप कर चुके हैं। अब लैन को एक स्पेसिफिक मेयरिंग यूनिट के थ्रू अगर आप एनजेड करना चाह रहे हैं, एल एंटर करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ। ये देखें आपको यहाँ पे ऊपर डायमेंशन दी हुई है इसने, 4 फुट 1 इंच यहाँ पे देखें दिया हुआ है इसने, 4 फीट 4 इंच यहाँ पे दिया हुआ है, 5 फीट दिया हुआ है, 5 फीट 5 इंच दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर इसे डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आप डिस्टेंस टाइप करें, 5 फीट एंटर करता हूँ, तो देखिए हमारे पास 5 फीट की लाइन लग गई है। अब फिट कैसे इंसर्ट करते हैं, फिट का बटन कौन सा होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड यहाँ पे इंटर हो गया। अब देखें अब जो फिट का निशान है एंटर के साथ वाला, ये जो बटन है इससे फिट आप यूज़ करते हैं, ये जो ये निशान है फिट इसके लिए यूज़ करते हैं। ये एस्केप है जिससे आप अपनी कमांड को छोड़ सकते हैं, स्पेस और एंटर से आपकी कमांड अप्लाई हो जाती है। तो फिट का जो निशान है वो ये है, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंच बन जाएंगे, अगर शिफ्ट को छोड़ के आप ओनली इस पर ये बटन प्रेस करेंगे तो ये फिट बन जाएगा। ओके नेक्स्ट, अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं और आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, एल एंटर, मैं यहाँ से देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 5 फिट, अभी 5 इंच हो गया। अगर आप सिंपल एंटर कर देंगे, कोई भी आप नहीं देंगे सिर्फ एंटर करेंगे, तो उसके लिए उससे इंच बन जाएगा। एल एंटर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, 5 फिट एंटर, नीचे भी मैं करता हूँ 5 फिट एंटर, आगे करता हूँ 5 फिट एंटर, और यहाँ पे भी 5 फिट एंटर करता हूँ। तो अब देखें तो स्पेस प्रेस करूँगा मैं, मार से बाहर आ जाऊँगा, अब देखें बिल्कुल बराबर इसने लगाया और ये पूरा का पूरा 5 फिट ये हमारे पास लगे, देख सकते हैं। ओके यूसीएस और पॉइंट यूसीएस आइकन जो ये देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ इसको अपनी ओरिजिन इस पॉइंट में लॉक कर दिया जाए, तो उसके लिए आप यू सी एंटर करें, यू सी एंटर करता हूँ, सेटिंग पे आप क्लिक करें और यहाँ से डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट को अनचेक कर लें इसको और ओके करें, तो देखें ये अपनी ओरिजिन पॉइंट में क्या हो गया, यहाँ पे ये सेट हो गया। इसके अलावा आप व्यू में भी जाएं, जाने के बाद व्यू में जाएं, जाने के बाद डिस्प्ले में जाके यूसीएस आइकन को आप ओरिजिन पे क्लिक करेंगे तो ये अपने पॉइंट में आ जाएगा, ओरिजिन को अनचेक करेंगे तो अपने इस पॉइंट में आ जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके तो ये यहां तक आपको स्केप का ही फंक्शन समझ आ गया, स्पेस का भी, एंटर का। स्पेस और एंटर दोनों कमांड्स के लिए यूज किए जाते हैं, आप चाहे स्पेस प्रेस करो या एंटर प्रेस करो आपकी कमांड अप्लाई हो जाएगी, जबकि स्केप आपकी कमांड से बाहर निकलने के लिए आपको यूज किया जाता है। अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहां से एक प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल बना रहा हूँ। ओके एक फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है, इसको सेव करना है तो सेव करने के लिए आप फाइल में जाएं या फिर इस होम के बटन पे क्लिक करें, यहां पे मैं क्लिक करता हूँ इस बटन पे, तो आप यहां पे सेव पे क्लिक करेंगे, यूं ही आपने यहां पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, अपनी फाइल को आप लोकेशन दें जहां पे आप सेव करना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ, अपनी फाइल को नाम दे के आप इसको सेव का बटन प्रेस करें तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो फाइल फाइल को ओपन करते हैं, आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे क्लिक करके आप ओपन पे क्लिक करें, ओपन में आप देखें ड्राइंग है, ड्राइंग पे क्लिक करें, तो ड्राइंग वन मेरे पास मैंने सेव किया था, ओपन करें तो ये ड्राइंग वन मेरे पास सेव हो गया। ड्राइंग का नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, नाम चेंज करने का क्या तरीका है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक नई ड्राइंग लेता हूँ, लाइन लेता हूँ, फाइल में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे जाके मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखें नाम चेंज कर सकते हैं, तो इसकी DWG जो होती है ये एक्सटेंशन होती है, ड्राइंग की एक्सटेंशन है, मीन आपकी ऑटोकैड की जो फाइल सेव होती है वो ड्राइंग में सेव होती है और उसकी एक्सटेंशन DWG है। मैं यहाँ पर देता हूँ न्यू, लिखता हूँ और सेव कर लेता हूँ, तो मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट के नाम से डेस्कटॉप पर सेव हो गई ये फाइल, ये देख सकते हैं आपको टैब में न्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर ड्राइंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ओके अब आप फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास न्यू की फाइल है, मैं यहाँ पे ड्राइंग की फाइल भी ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, ओपन ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ और ड्राइंग जो मेरे पास है जी
ड्राइंग वन की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास वो फाइल ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। क्लोज करना चाह रहा हूँ इस फाइल को, तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। अगर न्यू फाइल लेना चाह रहे हैं, न्यू पे क्लिक करें, तो न्यू ड्राइंग पे क्लिक करें, तो एक नई ड्राइंग यहाँ पे सामने आ जाएगी। और इसके लिए आप ये देखें ACAD लिखा हुआ है, और इसको आप ओपन करें तो आपके पास एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, देख सकते हैं। न्यू फाइल ओपन करने के लिए आप ड्राइंग पे क्लिक करेंगे, इस यहाँ पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी फाइल। ओपन करना है तो आप ड्राइंग पे क्लिक करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ड्राइंग फ्रॉम क्लाउड का फंक्शन ये है कि अगर आपकी ऑटोडेस्क 360 में फाइल कोई सेव है, तो आप ऑनलाइन मीन सेव है, तो आप वहाँ पे इसको ओपन, वहाँ से ओपन करना चाहें कर सकते हैं, या फिर सेव का भी फंक्शन यही है, आप सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। ओके, सेव एज का फंक्शन ये होता है कि आप एक फाइल को काफ़ी सारे नामों से सेव कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल से देखेंगे सेव एज का फंक्शन क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, ओपन कैसे कर सकते हैं, और उसके अलावा आप लाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें क्लोज और अंडू का फंक्शन क्या है। एंड चलो अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।